पूरे देश में लोकसभा का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां कमर भी कस ली हैं, लगातार वो कैंपेनिंग कर रही हैं और अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। इस समय जो बिहार है वो राजनीतिक का केंद्र बना हुआ है और लगातार बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली हैं। बिहार जहाँ पे इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है वो RJD पार्टी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव की पार्टी है। इसी बीच वहाँ के जो पप्पू यादव हैं वो कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जिनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी रहती है उसका विलय कांग्रेस में कर देते हैं और उनको ये पूरी उम्मीद रहती है कि हमको पूर्णिया से कांग्रेस टिकट देगी। असल में जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, वहाँ पे कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आपसी गठबंधन हुआ है और इसी बीच मौका देखते हुए पप्पू यादव भी आके कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और अपनी पार्टी का भी विलय कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जब देखते हैं लालू प्रसाद यादव तो वहाँ से अपनी पार्टी RJD से, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पूर्णिया सीट से बीमा भारती को टिकट दे देते हैं, जिसके बाद तो पूरे बिहार में एक तरीके से अलग क्रांति देखने को मिल जाती है और इंडिया गठबंधन और RJD के बीच जो वादे थे सीटों को लेकर वो लगातार अब विफल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं आपसी सहमति के साथ, उनका मिलन तो हो गया है, वो BJP के साथ एक सुर में यानी कि NDA के खिलाफ चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन आपस में ही मतभेद है। अब देखना होगा किस तरीके से आगे का चुनाव परिणाम आता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कर दिए हैं और जो कल की भीड़ थी, कल ही उनका नामांकन हुआ है, भीड़ देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूर्णिया की जनता है वो पप्पू यादव के साथ है और पप्पू यादव पर भरपूर प्यार लुटाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पप्पू यादव के साथ क्या होता है, लेकिन जो भीड़ है वो पप्पू यादव ने लालू यादव को और इंडिया गठबंधन को साफ साफ दिखा दिया है कि मैं अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूँ। और आपको बात बताएंगे किस तरीके से पूर्णिया का जो इतिहास रहा है लोकसभा सीट का, साल 1991 में पप्पू यादव चुनाव टिकट मांगते हैं कि उनको कोई राजनीतिक पार्टी टिकट दे दे, लेकिन टिकट नहीं देती है, वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। साल 1996 में वो सपा के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी वो जीत जाते हैं। साल 1999 में भी पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। साल आता है 2014, साल 2014 में भी वो चुनाव लड़ते हैं, तब वो RJD के हिस्से थे, RJD से चुनाव लड़ते हैं, उस बार भी वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उस बार वो पूर्णिया की सीट को छोड़कर मधेपुरा जा चुके थे। यहीं से पप्पू यादव का कहीं ना कहीं पतन स्टार्ट होता है। साल 2019 आता है, उसके पहले साल 2015 में पप्पू यादव RJD से कुछ अनबन होती है, खटपट होता है, जिसके बाद साल 2015 में वो अपनी एक अलग पार्टी जन अधिकार पार्टी को बना लेते हैं, जिसके बाद मधेपुरा से ही साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और इस बार वो चुनाव हार जाते हैं। अब साल 2024 के जनवरी महीने में जब लोकसभा की तारीख नज़दीक आती है तो पप्पू यादव को एक बार फिर पूर्णिया याद आती है और पूर्णिया की जनता के बीच हो जाते हैं और पूर्णिया की जनता से वो माफ़ी मांगते हैं और एक तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं, पूर्णिया के लोगों से ये वादा करते हैं कि पप्पू यादव आपका बेटा है और एक बार फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की सीट से ही वो चुनाव लड़ेगा और एक ऐसी रैली निकालते हैं जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। उनका मेन मकसद यही रहता है कि जो भी पूर्णिया की जनता उनसे नाराज है उनको खुश करना है, क्योंकि आगामी ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने रहता है और जनवरी महीने में पूरा कैंपेनिंग करते हैं। उस कैंपेनिंग को देख के यही लगता है कि पूर्णिया की जनता, जो पप्पू यादव से उनका मतभेद रहता है वो खत्म हो चुका है, उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए पप्पू यादव मौका पाकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। उनको ये पूरा उम्मीद रहती है कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसमें जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाएगी, लेकिन उसके पहले ही बंटवारे अभी हो ही रहे थे तब तक अचानक से बीमा भारती को RJD वहाँ से टिकट दे देती है, जिसके बाद पूरी तरीके से पप्पू यादव टूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और फिर वो निर्दलीय तौर पर लोकसभा का नामांकन करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब वो कल नामांकन कर लेते हैं उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हैं और जनसभा को संबोधित करते करते वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी छलकने लगता है, जो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
आप हमारे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से उड़िया की जनता के बीच पप्पू यादव मंच से ही रोने लगते हैं और तमाम तरीके के संगीन आरोप भी लगाते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से आरजेडी को ही टारगेट करते हैं बिना नाम लिए। आरजेडी से जो भी गिला सिकवा रहता है वो सब कुछ कहते हैं। वो कहते हैं साल 2025 का विधानसभा चुनाव बाद में है, पहले 2024 का लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, मुझे समर्थन दे दीजिए कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि मेरी जो यहां पे स्थिति है वो अन्य नेताओं से, अन्य उम्मीदवारों से बेहतर है। ऐसे में देखना होगा कि कोरिया की जनता किस तरीके से पप्पू यादव को हाथ लेती आई है और इस बार किस तरीके से पप्पू यादव को वो पोडिया की जनता प्यार और आशीर्वाद देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उनका जो आपसी गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं रार होता हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति रही तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का 400 पार वाला जो वादा है, जो दावा है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा।